अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास आज हम मैथ्स का जो है थर्ड वीक का काम स्टार्ट करेंगे ठीक है इसमें हमारा है पेज नंबर 174 इसको क्वेश्चन इसका और वनर थ्री है पेज 175 क्वेश्चन फाइव सिक्स एट ए टू डी ठीक है पेज नंबर 174 इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स इन एंगल ये जो शेप है ये एंगल है इन एंगल एम एन ओ एन इज़ द डैश ऑफ द एंगल एन जो है वह एंगल क्या है वर्टेक्स ठीक है आपने लिखना है यहाँ पे वर्टिक्स बी है आ रट एंगल इज़ इक्वल टू डैश डिग्रीज राइट एंगल कितनी डिग्रीज का होता है नाइन्टी डिग्रीज का सी है एन एंगल लेस दैन आ राइट एंगल इज कार्ड एन डैश एंगल वो एंगल जो राइट right एंगल से कम होता है मतलब राइट नाइन्टी से कम होता है वो कौन सा एंगल होता है एक्यूट एंगल ए सी यू टी ई एक्ूट एंगल डी है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इस कार्ड एन अप्यूज एंगल ठीक है फिर प्लैंग में क्या आ जाएगा एपट्यूज एंगल के ऐसा एंगल जो 90 से तो ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो तो वो कौन सा एंगल होगा एपट्यूज एंगल ई पार्ट है द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल प्रोटेक्टर जिसको आप डी भी बोलते हैं वो क्या करती है एंगल को ड्रा करती है और मैयर करती है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारे एम सी क्यूज है आपने आंसर को सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर कौन सा है ए पार्ट है द एंगल्स मेड बाय द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर डैश के वो एंगल्स जो के स्क्वायर स्क्वायर के जो फोर साइड्स के एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्रीज के होते हैं वन एटी नाइनटी हंड्रेड जीरो करेक्ट आंसर इज नाइन्टी डिग्री बी है इफ़ पी क्यू आर इज इक्वल टू एटी एंड एक्स वाई जी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री देन पी क्यू आर प्लस एक्स वाई जी इज डैश अच्छा अब पी क्यू आर एटी और फोर्टी इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी कौन सा एंगल होता है एक्यूट होता है ट्यूज होता है राइट right होता है तो आंसर है हमारे पास एप्ट्यूस एंगल क्योंकि एप्ट्यूस एंगल का हमने अभी पढ़ा था कि वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है ठीक है तो अब हमने 80 और 40 को ऐड किया 120 आ गया तो 120 एंगल किस में आएगा एन एपटूज़ एंगल राइट सी पार्ट है हमारा एंगल एल एम एन इज़ ये एल एम एन इज़ एन एक्यूट एंगल स्ट्रेट एंगल एपट्यूज़ एंगल राइट एंगल तो ये हमारा एक्यूट एंगल है ठीक है डी है एन एप एंगल इज एप एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 180 एटी इक्वल टू नाइन्टी ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री तो एपट्यूज़ एंगल जैसा कि मैंने बताया 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है तो हमारी राइट right ऑप्शन होगी ग्रेटर देन 90 डिग्री ई e है एंगल एम ओ एन इज़ ये एम ओ एन इज ये क्या है राइट right एंगल है एन एक्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल है एप एंगल है ये हमारा एपट एंगल है पेज नंबर है 175 सेवेंटी फाइव नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स ये एंगल्स बने हुए इनकी आर्म्स के हमने नाम बताने आर्म्स क्या होती हैं ये जो टू लाइन जिससे हमारे एंगल्स बनते हैं ठीक है अब ये देखें या आपकी बुक में बनी हुई होगी ए बी सी अब इस एंगल की आर्म्स हैं दो एक ए बी और एक बी सी ये इसका आंसर है ए बी एंड बी सी अब इसमें देखें डब्ल्यू एक्स एक आम ये है जिसको आप रे भी बोलते हैं ठीक है और एक्स वाई एक ये ठीक है इट हैज़ टू आर्म्स डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई मतलब वो टू रे, रेज जो एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को जॉइन करती हैं वो एंगल की रेज होती हैं सॉरी आर्म्स होती हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम द दर्टिक्स ऑफ दीज एंगल्स वर्टिक्स वर्टिक्स क्या होता है जो टू रेस हैं या टू आर्म्स हैं उनके मिड में जो होता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को जॉइन करती हैं वो वर्टिक्स होता है अब देखिए एम एल के अब ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं एल पे ठीक है तो आंसर हो गया एल इसका वर्टिक्स हो गया एल एस टी यू अब ये दोनों रेस या आर्म्स कहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन कर रही टी पे तो ये इसका हो गया वर्टिक्स टी आंसर टी क्वेश्चन नंबर एट ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स मैचिंग नेम्स ये आपकी बुक में दिए हुए कि ड्रा द फॉलोइंग मैचिंग नेम आपने एंगल्स करने हैं जो कि इन नेम से मैचिंग करते हो ठीक है पी क्यू आर एक्यूट एंगल आपने एक्यूट एंगल ड्रा करना है एक्यूट एंगल जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ीरो से ग्रेटर नाइन्टी से लेस ठीक है आप नाइन्टी से लेस कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हैं मतलब फिफ्टी का कर सकते हैं सिक्सटी का कर सकते हैं थर्टी फोर्टी फाइव तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा ठीक है उसका नेम आपने पी क्यू आर रखना है यहाँ पर मैंने थर्टी डिग्री का एंगल बनाया हुआ है ये एक्यूट एंगल है ठीक है बी ए बी सी रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल जैसा कि आप जानते हैं कि ये 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है तो ये आप कोई भी इस इन दोनों के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और ये एंगल ड्रा कर सकते हैं और उनका नाम होगा ए बी सी ठीक है आगे है डी ई एफ एंगल आपने एप्ट्यूज एंगल बनाने एप्ट्यूज एंगल जैसे कि आप जानते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस होता है इसलिए आप 190 से अबव कोई भी एंगल यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं हंड्रेड कर सकते हैं वन टेन कर सकते हैं मतलब वन नाइन्टी से लेके वन एटी तक कोई भी एंगल आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे मैंने वन ट्वेंटी का ड्रा किया हुआ है और इसका नाम है डी ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई जी राइट एंगल राइट एंगल आपको पता है नाइन्टी डिग्री का होता है ठीक है तो ये 90 का ही ड्रॉ करना है मस्ट नाइन्टी का ठीक है डब्ल्यू एक्स वाई ये आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया ठीक है थैंक यू सो मच आपने अब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे से लर्न करना है ठीक है थैंक यू